हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जहां घमासान हुआ, सियासी घमासान, और मतदाताओं ने तय कर दिया कि वो किसे संसद में देखना चाहते हैं, अपना सांसद देखना चाहते हैं। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। 4 जून को रिजल्ट आएगा और ये पता चल जाएगा कि जनता ने किसे सपोर्ट किया है, किसे समर्थन दिया है। राहुल सहजवानी यमुनानगर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरह की तस्वीर थी, सियासी माहौल क्या कहता है, वोटर्स के मन में क्या था? पंकज, देखिए बिल्कुल हर तरह के जो लोग हमें इस मतदान के दौरान जो है मिले, अगर सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे जब मतगणना मतदान जो है शुरू हुआ तो सुबह से ही जो लोग थे वो उस वक्त उत्सुकता जो थी वो लोगों की साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे 1 घंटा 2 घंटा बीता तो लगातार कतारें जो थी वो लंबी बढ़ती चली गई। तस्वीरें हमने दिखाई भी कि लगातार जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, लगातार वो तस्वीरें जो हमने दिखाई। उसके बाद बीच का एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल जो पीक पर थी गर्मी और सूरज ज्यादा सर के ऊपर थे, तब बीच में थोड़ा सा जो मतदान केंद्र है वो थोड़े से खाली जरूर नजर आए, लेकिन 4:30-5 बजे के बाद दोबारा से जो लाइनें थी वो मतदान केंद्रों पर रही है। और ऐसे में अब जो मतदान हुआ है वोटर टर्नआउट ऐप जो है वो बता रहा है 58.25% जो है मतदान जो है वो जो है हरियाणा की 10 सीटों पर हुआ है। और उसके अलावा अगर अंबाला की मैं बात करूं, अंबाला लोकसभा की, पंकज, तो सबसे ज्यादा 10 लोकसभा की अगर बात करें तो अंबाला लोकसभा पे जो है सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ है 62.4% जो है ये यहाँ पर वोटिंग हुई है। उसके अलावा हिसार, सिरसा जो है ये दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। लोगों ने अपनी एक जो भूमिका थी, जो एक अपनी जागरूकता थी वो साफ तौर पर दिखाई। राहुल, क्या आम वोटर्स के मन में चल रहा था, मुद्दे वो कौन से थे जिस आधार पर लोगों ने वोट किया, अपने नेता को चुनने का काम किया? पंकज, देखिए हर तरीके के जब चुनाव होता है तो हर तरीके के जो लोग हैं वो साफ तौर पर नजर आते हैं। लोगों के माइंडसेट जो थे वो काफी जो हमने टटोलने की यहाँ पर कोशिश भी की तो देखिए मोदी की गारंटी का एक फैक्टर था, और उसके अलावा न्याय जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का उनका भी जिक्र जो था वो मतदाता करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा बेरोजगारी, रोजगार, इन सब का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता में जो है लोगों में देखने को मिला। लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ 5 किलो राशन से जो गवर्नमेंट दे रही है उससे क्या होता है। तो तमाम की जो चीजें थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी, लेकिन एक बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे जहां जो गांव लगते हैं वहां पर अधिकतर जो था वो मतदान जो था वो साफ तौर पर देखने को ज्यादा मिला एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र था वहां पर जो लोगों की संख्या थी वो थोड़ी कम जरूर रही, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने इस मतदान में जो है बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। क्या कारण ऐसा रहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा घर से बाहर निकले और शहरी इलाकों में नहीं? देखिए बहुत सी चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि अधिकतर जो शहर का क्षेत्र जो मतदाता होता है वो इसको छुट्टी के तौर पर काउंट कर लेता है। कल संडे का दिन है, ऑफिस वाले जो लोग होते हैं, दुकानदार जो लोग होते हैं वो इस टाइप से इसको जो है इंजॉय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज का ड्रॉबैक जो है ये सामने आता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम नजर रहती है। मतदान केंद्रों पर जो लोग हैं वो कम नजर आते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। जो गांव के लोग होते हैं वो इसको लेकर जागरूक है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग होते हैं, अपने नौकरी से प्यार करते हैं वो, तो इस तरीके से जो गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस मतदान जो ये चुनाव हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं एज कम्पेयर टू शहर के क्षेत्र में। तो कहा जा सकता है कि 62% जो अंबाला लोकसभा की वोटिंग है वो एक बाकी जिलों से तो जो वोटिंग है वो काफी अच्छी रही है लगातार, क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे संवेदनशील जो बूथ थे पंकज, या जो अति संवेदनशील थे जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा पुलिस की थी, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए थे, केरला से पुलिस लगाई गई थी, वहां पर भी बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान किया। सबसे बड़ी बात ये रही कि कहीं पर भी कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ जहां पर मतदान जो है रुका हो, बाधित हुआ हो। शांतिपूर्ण तरीके से, स्वतंत्र तरीके से जो चुनाव था वो यहाँ पर संपन्न हुआ है, और अब जो ईवीएम में जो है प्रत्याशियों की किस्मत है वो यहाँ पर कैद हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बीते हैं पंकज, जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हुए हैं, उनकी जो धड़कन है वो लगातार तेज होती रहेंगी। इंतजार जो सिर्फ है पंकज, सिर्फ चार का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सियासी तौर पर दोनों, कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने काफी तैयारी की थी, और कई जगह से ये खबर आई कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनेजमेंट होना चाहिए था
वो मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बीजेपी मैनेजमेंट के मामले में, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके जितने भी एजेंट थे, वो भारी पड़े कांग्रेस पर। यहाँ की तस्वीर क्या थी? देखिए, अंबाला लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो ओवरऑल एक अच्छी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि देखी गई है, बूथ लेवल से लेकर सीनियर कार्यकर्ताओं तक। और अगर कंपेनिंग की बात करें उस तक लगातार जिस तरीके से अगर कांग्रेस प्रत्याशी का जो था प्रचार वो था, वो लगातार पूरी बेल्ट पर जो साफ तौर पर देखा गया, किसी भी क्षेत्र में जो है वो ऐसा नहीं था कि उनको वो वहां पर कंपेनिंग करने के लिए नहीं गए हों। लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा की बात कर सकते हैं तो करनाल से भी ये तस्वीरें सामने आई थी, ये जानकारी मिली थी कि मैनेजमेंट ना होने के कारण जो है कांग्रेसी नेता जो है आपस में ही जो है उनमें नाराजगी पैदा हुई थी। तो ये सब खबरें अन्य जगह से भी आई थी, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि अंबाला लोकसभा के अंदर दोनों ही पार्टियों ने जो है बराबर का प्रचार किया है। किसी भी तरीके से कोई भी जो मैनेजमेंट की कमी है वो अंबाला लोकसभा पे नहीं कह सकते, और लोगों का भी एक अच्छा फीडबैक जो था चलिए, बहुत वो शुक्रिया प्रत्याशियों को मिला आपका है राहुल, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए। तो वोटिंग संपन्न हुई है, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं, मतदाताओं ने अपने नेता, अपने सांसद को चुना है। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत अब कैद हो गई है।